वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के एड सिक्स में। रुख करते हैं एक नई वैकेंसी की तरफ। ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों अप्रेंटिसशिप के लिए। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे जानना होगा दोस्तों कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि अगर आप एलिजिबिलिटी जान लीजिएगा तो आप हो सकता है कि इसके लिए अगर एलिजिबल नहीं है तो आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे। लेकिन इतना काम कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो कि इसके लिए एलिजिबल हैं। जी हाँ, आपके ग्रुप में, आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत ऐसे लोग होंगे जो कि इसके लिए एलिजिबल होंगे, उनको शेयर कर दीजिएगा एक लाइक करके ज़रूर से। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एलिजिबिलिटी दिखा देना चाहता हूँ कि अगर आपका शैक्षणिक योग्यता, जी हाँ यहाँ पे देख सकते हैं, जी हाँ आपका शैक्षणिक योग्यता आईटीआई में कौन से ट्रेड में, तो मेट में, ब्लास्टर्स में जो कि माइंस के अंदर यूज किया जाता है इनका, है ना, और फीटर में, टर्नर में, वेल्डर, गैस इलेक्ट्रिक्स वाले जो वेल्डर होते हैं उसमें, और इलेक्ट्रीशियन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में, या फिर ड्राफ्टमैन सिविल में, या फिर ड्राफ्टमैन यहाँ पे मैकेनिकल में, या फिर मैकेनिक्स डीजल में, या पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक्स में, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर असिस्टेंट में, या फिर वायरमैन में। अगर आप सभी ने इन 13 ट्रेड्स में अपने आईटीआई कर रखा है, क्योंकि इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ ड्यूरेशन भी दिए गए हैं, यानी कि अगर आपका मेट इन माइंस में जो ड्यूरेशन है 3 साल का कोर्स होता है ये, तो वो किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कौन कौन से कैटेगरी में कितनी सीट है ये बताया गया है, ठीक है दोस्तों, इसे आप चेक करेंगे और इसके बारे में सारा डिटेल दूंगा अभी। लेकिन इन सभी चीज़ों में जिन्होंने भी इन सभी ट्रेड में आईटीआई कर रखा है वही छात्र यहाँ पर इस वीडियो को देखेंगे। उससे पहले का जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका, कम से कम 10th होना चाहिए, या तो आपने 12th भी किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए ये मैंने आपको यहाँ पर क्राइटेरिया बता दिया। अब चलते हैं दोस्तों इसकी सारी डिटेल के ऊपर, जहाँ पे हम चर्चा करेंगे इसके लास्ट डेट यानी कि 15 फरवरी को इस फॉर्म को भरने का अंतिम तिथि है। ध्यान रखिएगा, उससे पहले अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आवेदन जरूर कर लीजिएगा। चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखला देना चाहता हूँ, जहाँ से इसकी वैकेंसी के बारे में सारा डिटेल दिया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से इस वैकेंसी को निकाला गया है और यहाँ पे इसकी जितनी भी सूचनाएं हैं खनन विभाग से, एनोडलाइज से, परिशोधन कार्यों से, इन सब के बारे में अप टू डेट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और ये जो आपका ऑप्शन है करियर का, यहाँ पे आप क्लिक करके इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए जो करियर वाला जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन यहाँ से भी आके ये लिंक से जाके कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है, सिंपल है सारा प्रोसेस, आप इसको चेक कर सकते हैं खुद से भी। अगर नहीं होता है, नहीं यहाँ पे प्रोसेस हो पाता आपसे, तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे इसका वीडियो बनाकर भी एक बता दूंगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे। देखिए ये नोटिफिकेशन मैंने आपके लिए डाउनलोड कर रखा है, 28 जनवरी 2020 को इसको पब्लिश किया गया और कल यानी कि 30 जनवरी को इसको यहाँ पे साइट पे भी पब्लिश कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये वैकेंसी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको इनवाइट किया जा रहा है देने के लिए, जो कि इंडियन सिटीजन है और जो कि ट्रेनिंग एट हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड क्षेत्रीय कॉपर कॉम्प्लेक्स फॉर द ट्रेड अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 पर डिटेल गिवन बिलो। यहाँ पे आपको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ये इन सभी ट्रेड्स के लिए है, जिसके लिए आपको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का करने के लिए टोटल यहाँ पे 161 पदों की ये वैकेंसी बताई जा रही है। दोस्तों इससे पहले अगर आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिन्होंने भी 10वीं पास किया है और उस या तो फिर आपने 12th पास किया है या उसके इक्विवेलेंट यानी कि इंटर विंटर भी होता है किसी किसी स्टेट में, तो आपने वो किया है और साथ में आपने इन सभी कोर्सेज में अपने आईटीआई को कंप्लीट कर रखा है ना डिसिप्लिन में, तो आप इसके लिए आवेदन बिल्कुल कीजिएगा। अप्रेंटिस करके रखना चाहिए अपने आप को, ठीक है, यहाँ पे नहीं तो आगे जाकर कोई वैकेंसी ऐसी आती है जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होता है अप्रेंटिस का,
तो अगर आप वहाँ पे आवेदन भी आराम से कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से जो ये वैकेंसी है, एक तरह से समझिएगा यहाँ पे आपको ट्रेनिंग करने के बाद जॉब भी प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये वैकेंसी जो है आप ITI पास्ट कैंडिडेट के लिए निकाली गई है, जिनका जो यानी कि उनका जो सर्टिफिकेट है NCVT के द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए और अप्रूवल होना चाहिए उनका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ और अपडेट दिए गए हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया बताया गया है यहाँ पे आपको, जो कि यहाँ पे एज को लेकर और आपके एजुकेशन को लेकर और आपके सर्टिफिकेट को लेकर है। देखिए, सबसे पहला तो आपका जो सर्टिफिकेट है ITI जो आपने पास किया है, उसके लिए आपका जो रिकॉग्नाइज होना चाहिए वो NCVT के जरिए ये रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ठीक, दूसरा जो है यहाँ पे दोस्तों कि जो कैंडिडेट यहाँ पे ITI कर रहे हैं 2016 से जिन्होंने आवेदन किया है, और कुछ ITI जो यहाँ पे मांगे गए हैं ट्रेड्स में आपके, उसको 3 साल का कम से कम वो होना चाहिए कोर्स। ठीक है, तो 19 में आपका पास हो जाएंगे तो वही छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकेंगे। तीसरा जो यहाँ पे बात कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा या BE BTEC है, ठीक है, या इक्विवेलेंट कोई भी उनका कोर्स है ना, डिप्लोमा और BE BTEC वाले, वो यहाँ पे आवेदन नहीं करेंगे। ठीक है, और एडिशनली यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों कि कैंडिडेट हैविंग हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन लाइक अ BA, BSc, BCom, ETC विल नॉट गिवन एनी एडिशनल वेटेज। अगर आपने जैसे कि 10th पास करने के बाद ITI करके उसके बाद ग्रेजुएशन कर लिया है आपने, जैसे कि BSc, BA या BCom में, तो उसका कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा, उसको कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। बस आपको यहाँ पे 10th प्लस ITI या तो आपने 12th किया है और ITI कर रखा है तो ही आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा, अन्यथा करिएगा आवेदन, अगर जिन्होंने ग्रेजुएशन भी करे तो उसका प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा। अच्छा, एज को लेकर यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि 18 से लेकर 30 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वही इसको आवेदन करेंगे, यानी कि 28/1/2020 जो है इसका बेस ईयर से यहाँ से काउंट किया कर लिया जाएगा इतने तक। और जो भी कैंडिडेट SC ST से आते हैं उनको 5 साल का एज में रिलेक्सेशन मिलेगा, और जो OBC से आते हैं उनको 3 साल का एज रिलेक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पूछेंगे कि भैया यहाँ पे सैलरी क्या होगी, तो स्टाइपेंड मिलता है यहाँ पे, जो कि इस ITI एक्ट के जरिए जो है ना 1961 एक्ट है उसके तहत यहाँ पे जो इनको सैलरी मिलती है एज पर द एडमिनिशियबल अंडर द रूल्स, वही आपको स्टाइपेंड यहाँ पे मिल सकता है, विल बी पेड। यहाँ पे बोला गया है साफ साफ, स्टाइपेंड ड्यूरिंग द अप्रेंटिसशिप पीरियड विल बी पेड एट द एडमिसेबल अंडर द रूल, जो भी रूल के अकॉर्डिंग होगा वही आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है एक सरकारी कंपनी है। ठीक है, सरकार के द्वारा ये अधीन में चलती है, और आपको बता देना चाहते हैं कि पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज इंडिकेटेड अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव ट्रेड्स, जो भी आपका ट्रेड्स के रिगार्डिंग वहाँ पे आपको कोर्सेज का टाइमिंग दिया गया है उसी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सेलेक्शन मेथोलॉजी के बारे में कुछ बातें कही गई है, तो कहा जा रहा है कि द कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन ITI एंड द क्लास 10th, जो भी आपका 10th और ITI में आपने कोर्स कर रखा है जो मार्क्स आए हैं उसके वेटेज पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन लिया जाएगा। 30% टू द स्कोर इन द रिलेवेंट ट्रेड ITI एंड द वेटेज ऑफ द 70% शैल बी गिवन टू द मार्क्स स्कोर ऑन द 10th बोर्ड। ठीक है, ये आपका क्राइटेरिया है, 30% आपका ITI से और 70% आपका जो मैट्रिक यानी कि 10th के बोर्ड से आएगा नंबर, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। जो कैंडिडेट मीट माइंस में और ब्लास्टर में यहाँ पे आवेदन किए हैं वहाँ पे उनको 100% देखिए 100% वेटेज विल बी गिवन टू द मार्क्स स्कोर इन द 10th बोर्ड, उनको 100% 10th का जो मार्क्स रहेगा वही ऐड किया जाएगा। एडिशनल 10 बोनस मार्क्स विल बी गिवन टू द डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ HCL, जो लोग HCL में कार्यरत हैं और उन्होंने भी आवेदन किया है अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे, तो इन अप्रेंटिसशिप के लिए तो उनको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी और उनको रिलेवेंट यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन भी दिए जाएंगे उनके मार्क्स को ऐड करने के अकॉर्डिंग में। ओके, स्टैंडर्ड फिजिकल फिटनेस जो है आपका होना चाहिए दोस्तों क्या यहाँ पे, तो एंगेजमेंट फॉर द सिलेक्टेड ट्रेड्स अप्रेंटिस सब्जेक्ट टू द हर और हिज बींग द डिक्लेयर द मेडिकली फिट होना चाहिए उनका, ये रिक्वायरमेंट है कंपनी के जरिए। ठीक है, फॉर्म को कैसे भरना है ये स्टेप
एक और स्टेप दो के जरिए सारा डिटेल बता दिया गया यहाँ पे, इसको आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है, आप भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, इस इंस्ट्रक्शन को भी पढ़ लीजिएगा। कौन कौन से कैंडिडेट कैसे कैसे फॉर्म भरेंगे और उनका जो मार्कशीट है वो कितने फोटो उनका कितने साइज का होना चाहिए, कितने केबी का होना चाहिए, ये सारा डिटेल यहाँ पे एक ही करके दिया गया है। ओके दोस्तों, तो आशा करते हैं कि ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। और इसका जो डेट है, इंपॉर्टेंट डेट्स, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि 15 फरवरी लास्ट डेट है। ठीक है, और जो आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, है ना, नाम शॉर्टलिस्ट होगा आपका, वो 25 फरवरी को इसको पब्लिश कर दिया जाएगा इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप यहाँ पे आके चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको सारी डिटेल तो यहाँ से दे दी। अगर आप में से कोई भी छात्र यहाँ पे एलिजिबल है इसके लिए आवेदन करने के लिए, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस फॉर्म को आवेदन कीजिएगा। अन्यथा नहीं है तो एक लाइक कीजिएगा वीडियो को और उन दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने 10th या 12th करके ITI कर रखा है अपने ट्रेड्स में। ओके, चलिए, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।